मुहावरे इड़ी पाक पहला देखो है इको डगे पिंड मंगना। इको डगे पिंड मंगना मतलब की है इको वारी सारी दी सारी जिन्नी भी डिमांड है उन्हों खत्म करने दी या इको वारी काम करने दी कोशिश करनी। ठीक है, इको डगे डगा हुंदा मतलब कि इको वारी विच ही सारा पिंड मांग लिया, राइट। जड़े मंगण वाले हुंदे ने उहदा मतलब की है इको वारी च ही सारे का सारा जड़ा काम है वो खत्म कर दिता। सेकिंड है एक रंग आना एक रंग जाना। कई बारी बंदा बहुत ज्यादा घबराया हुंदा है, ठीक है, उहदा फेस जड़ा है बिल्कुल पीला हो जाता है। ठीक है, रंग मतलब कि उहदा कई बारी नॉर्मल हो जाता कई बारी पीला हो जाता, उहदा मतलब की है घबरा जाना। इको रस्से फाहा देना। इको रस्से मतलब कि चाहे वह बंदा चंगा है चाहे वह बंदा माड़ा है दोनों नू सेम तराजू विच तोलना, सेम ही उन्होंने नाल बिहेव करना चंगे दे नाल भी ते माड़े दे नाल भी। ठीक है, कोई सेंटेंस ये मैं दस दो क्योंकि वाक बनाने भी आ सकते हैं आप सेंटेंस भी नाल ही करते हैं। ठीक है, पहला तो मैं पहले तो दसो कि इको डगे पिंड मंगना एदा सेंटेंस आठ सिगा कि किसी वड्डे काम नू इको बारी खत्म कर देना। इको डगे पिंड मंगना या तुहानू पता है मुहावरा भी आ सकता है। ठीक है, इदां भी लिखा जा सकता है इको डगे डैश मंगना। ठीक है, सो आंसर इज पिंड मुहावरा ते एदा वाक वाक बनाओ भी आ सकते ने एनी वन वाक। बेटा वाक पूछे जा सकते ने पेपर दे विच। ठीक है, कोशिश करो वाक बनाने दी। हां जी रमनीत, सानू सारा काम समय से करना चाहिए है, इको डगे पिंड नहीं मंगना चाहिए। ठीक है, ओके। लवलीना, लवलीना ओके। नेक्स्ट सी एक रंग आना एक रंग जाना घबरा आ जाना। एक रंग आना एक रंग जाना और ये विच रीजन भी यस हां मैम। जी लवलीना। मैम इसका वाक जो फर्स्ट का घबरा सेकंड दा एक रंग आना एक रंग जाना। आ जाना, जदों मनोज नू प्रिंसिपल साहिब ने आप नकल करदिया फड़िया तां उसका एक रंग आउण ते एक रंग जान लग पिया। ठीक है रमनीक, राम पेपर नु वेख के एक रंग आंख जाऊं घबरा आ गया थोड़ा जा सही कर लो बात नु। ओके हां जी दिया, हां जदों राम ने सप नू वेख्या तां उसका एक रंग आउण ते एक रंग जाण लग पिया। पुलिस ने चोर नू वेख्या है ना, चोरी फड़ी गई ओदी चलाकी फड़ी गई झूठी फड़ी गई जो भी ओदे विच तुस लिख सकते हो। नेक्स्ट सी इको रस्से फाहा देना, चंगे मंदिया दे नाल इको जिहा वर्ता करना। लवलीना, मैम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा मतलब के देखो हुन कई बारी क्लास की हुंदा है कि चंगे बच्चे भी हुंदे हन है ना, कई थोड़े नॉटी भी हुंदे हैं। ठीक है, उन्हां दे नाल इको जिहा वर्ता तां नहीं ना आपा कर सकदे है ना। हुन जिस तरह कई बारी संसार विच भी इदां चंगे बंदे भी हुंदे आ माड़े बंदे भी हुंदे आ, तुसीं दोनां दे नाल सेम बिहेव कर सकदे हो नहीं, तुसीं चंगे दे नाल चंगा बणोगे माड़े दे नाल माड़ा बणोगे। ठीक है, मतलब आपां सारयां नूं इक्को रस्से फाहे नहीं दिंदे हैगे। सेंटेंस एक सियाना जज सब नू इको रस्से फाहे नहीं दिंदा, बल्कि हर एक नू उसदे कुकर्म अनुसार सजा दिंदा है। माड़े कर्मां दे अकॉर्डिंगली सजा दित्ती जांदी है। ठीक है, उहदा बिहेवियर नूं देख के। ओके नेक्स्ट है ईन मननी, हार मननी। सानू कदे भी किसी कोलो हार नहीं मननी चाहिए, ईन ठीक नहीं है, मननी चाहिए। ओके ईन नहीं मननी चाहिए। नेक्स्ट है एक अख नाल वेखना बराबर समझना। बाकी भी देखो सेंटेंस बनाओ बेटा, ये कुछ कुछ तो बहुत इजी ने तुस कीते हुए ने। हां जी दिया, अध्यापक सारे बच्चों नू एक अख नाल वेखता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक मुठ होना, एक मुठ होना रल मिल के रहना।
अर्चिता सानू अपनी जमात विच एक मुठ होके रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इट कड़े दा वैर, सुभावक वैर। सुभावक इहदे विच पता किसे नू मतलब कि नैचुरली कईआं दे विच ना दुश्मनी हुंदी है, ठीक है, ओ आपां हटा नहीं सकदे। हाँ जी लवली ना, सब पते न्योले विच इट कड़े दा वैर हुंदा है, ठीक है, उहनां विच नैचुरली दुश्मनी आ, आपां कदी खतम नहीं कर सकदे। नेक्स्ट है एक दिया चार सुनाउणा, जे किसी ने एक सुनाई है आपा होर चार सुना के आने, आपा कदी किसी दा लिहाज नहीं करते, ठीक है, इहदा की वाक बनेगा? एक दिया चार सुनाउणा, कई लोकी सुनांदे ने ना, कई लोकी बिल्कुल भी किसी दा लिहाज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं सोचते उन्हों चंगा लगेगा कि बुरा लगेगा, सगो एक सुनांदे सुनांदे उन्हों चार गल्लां वाधू सुना के आ जांदे आ, ठीक है, कई लड़ाके परसन इदां दे हुंदे ने। हाँ जी लवलीना, राम अपने मां बाप दा भी लिहाज नहीं करता ते उन्हां नूं हर एक गल ते एक दियां चार सुना देंदा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ईन दा चंद, ईद दा चंद होना, बहुत देर बाद मिलना। दिया जदों दा राम नूं बाहर नौकरी मिली है ओह तां ईद दा चंद ही हो गया है, ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट है इकमिक होना, इकमिक होना रल मिल के रहना। इकमिक होना, यस मैम, कैन आई टेक? हाँ जी बोलो। सानू सारे नाल इकमिक होके रहना चाहिदा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक ते एक ग्यारह, जो एक दे नाल एक और जुड़ जावे तां मतलब की है उहदा कि एकता जिहड़ी यूनिटी है वह वध जांदी है, कल्ला इंसान नहीं कुछ भी कर सकदा। हाँ जी सेंटेंस, नो दिया, सानू सारिआं नूं रल मिल के रहना चाहिदा है क्योंकि क्योंकि एक ते एक मिलके दो ग्यारह हुंदे हन, ठीक है। नेक्स्ट है इज्जत नूं वट्टा लाउणा, बदनामी करनी। इज्जत नूं वट्टा लाउणा, बदनामी करनी, माड़े कर्म करन करके। हां जी लवलीना, जदों मोहन दी चोरी फड़ी गई उसने अपने माता पिता दी इज्जत नूं वट्टा ला दिता, ठीक है। नेक्स्ट है इट दा जवाब पत्थर नाल देना, इट दा जवाब पत्थर नाल देना मतलब कि उसे वेले ही बिल्कुल सीधा जवाब देना, इट दा जवाब पत्थर नाल। सोचो लवलीना, बंदा बहादुर ने वजीर खान दी सरहंद नाल इट नाल नाल वैरी वैर करके उसनू इट दा जवाब पत्थर नाल दिता। ओके, मोस्टली आपां ना बंदा बहादुर दे नाम दे नाल आपां करदे हां इट नाल इट बजाउणी, ठीक है, उहनां दे नाल आपां जोड़दे हां इट दा जवाब पत्थर नाल देना, कि तुसीं लिख सकदे हो बट मोस्टली आपां इट नाल इट बजाउणी लिख सकदे हां, या इदा लिख सकते हो कि एक जरा परसन है बहुत ज्यादा चलाक है वह किसी नू भी नहीं किसी दी भी नहीं सुनता, वह हर गल का जवाब इट इट का जवाब पत्थर नाल दिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है इट खड़िका लाउणा, झगड़ा करना। इट खड़िका लाउणा, झगड़ा करना या लड़ाई करनी। ओ दोनों दोस्त मामूली जिही गल ते भी इट खड़काया लाई रखदे हन, ठीक है। नेक्स्ट है इट नाल इट खड़कौणी, इट नाल इट खड़कौणी तबाह कर देना।
इनू ना तुसी आम ना लियो, मतलब के नॉर्मल लड़ाई दे नाल नहीं, इनू तुसी लेना है युद्ध दे, ठीक है, ओदे लेना है आपा कॉन्टेक्स्ट विच, उदा नहीं लेना, इनू सिंपल ही लेना आपा। हां जी हर्षप्रीत। बंदा बहादुर सिंह ने सरहंद दी इस नाल इट खड़का दित्ती सी। ठीक है। इको तकड़ी दे वट्टे होना, इको तकड़ी दे वट्टे मतलब सेम जेही नेचर। अनिका, ओ दोवें भैन भरा इको तकड़ी दे ही वट्टे हन। ठीक है। नेक्स्ट है इल्दा ना कोको नाना, बिल्कुल अनपढ़, जिन्हों बिल्कुल भी कुछ नहीं आंदा। लवलीना, सोहन सिंह नो इल्दा ना कोको नहीं आंदा, पर है ओ पिंड दा सरपंच। ठीक है। नेक्स्ट, एक ना सुननी, इतना सुननी मतलब अपनी मर्जी करनी। अर्शप्रीत। राम अपने माता पिता दी एक नहीं सुनता, अते अपनी मन मर्जी करता रहता है। ओके। नेक्स्ट है इल्म दा कीड़ा, इल्म, इल्म केनु कहंदे ने पढ़ाई, जिन्हों आप बुक बॉम भी बोल देने हाँ, हर वेले किताबा पढ़ते रहन वाला। रमीक, कुलदीप दा निरा इलम दा कीड़ा बन के रह गया है क्योंकि पूरा दिन पढ़ता ही रहता है। ठीक है। लास्ट है एक कन सुन के दूसरे कन्नो काट देना, सिख्या दा असर ना रहना। ये बहुत ही बारी होंदा ना कि कई बार आप कहने मैं इधरों दी सुन के उधरों दी काट दित्ती। हां जी लवलीना। संदीप चिकना कड़ा है, ओ उसनों कुछ भी किया जावे वो एक कान तो सुन के दूसरे कान तो बाहर कर देता है। ठीक है। ओके गुड। अनिका, आजकल दे बच्चों नू बहुत ही पैड़ी आदत पै गई है, उन्हें जिन्ना मर्जी समझा लो पर वो एक कान तो सुन के दूसरे कानों बाहर कर देते हैं। ठीक है। ओके ठीक है बेटा, मुहावरे ईडी भाग हो गया, ठीक है, उड़ा एड़ा ईडी आप कर ले हुए हैं, या तो थानू फिलअप दी फॉर्म चाहिए, ठीक है, या थानू वाक बनाना आ सकता है, या थानू अर्थ पूछ के मुहावरा अर्थ दस्या हो सकता है, मुहावरा पूछा जा सकता है, ठीक है, या सेंटेंस पूरा दस्या जा सकता है, तो उहदे विचों दी तुसी सही वाला मुहावरा या उहदा अर्थ चुनना है। चार तरीके दे नाल थानू इह आ सकता है, ठीक है, मुहावरा। हुण जो तुहाडा टेस्ट है विस्मिक ते सांझी कंध, ठीक है, पहला आपां विस्मिक रिवाइज कर दी हाँ क्योंकि सांझी कंध तुसी कीता होया है ऑलरेडी। ओके विस्मिक कौन दसेगा, विस्मिक कहंदे के नू ने इदिया किन्नियां किस्मां हन, फिर बाद विच कल्ली कल्ली किस्म नू तुसी एक्सप्लेन करना है ते बाद विच आपां चुणों ते किस्म करांगे। हां जी दिया। अपने अचानक प्रगट हुए भावां नू प्रगट करन लई जो वर्त शब्द वरते जान उन्हां नू विस्मिक कहंदे हन। इह नौ प्रकार दे हुंदे हन, संबोधनी विस्मिक, प्रशंसावाचक विस्मिक, शोकवाचक विस्मिक, फिटकारवाचक विस्मिक, सतिकारवाचक, असीसवाचक, सूचनावाचक अते असीसवाचक। ठीक है। ओके गुड। हां जी अर्शप्रीत। खुशी, कमी, हैरानी आदि दे भावां नूं प्रगटाउण वाले वेले सुभाविक ही मुंह विचों निकले शब्द विस्मिक हुंदे हन। ठीक है। ओके क्लियर है बच्चे, विस्मिक आपां कहिंदे किहनूं आ, जिहड़े साडे ऑटोमैटिकली साडे भाव जिहड़े हन फीलिंग्स जिहड़ियां हन निकलदियां हन, ठीक है, उहनूं आपां सोचदे समझदे नहीं आ, सुभाविक तौर ते निकल जांदियां, साडी खुशी हो गई, साडी गमी हो गई, साडी हैरानी हो गई, ठीक है, इन्हां सारे भावां नूं आपां की कहिंदे हां, जिहड़े ऑटोमैटिकली निकलदे हन उहनूं आपां की कहिंदे हां, विस्मिक। विस्मिक हुंदे किन्ने तरहां दे ने, नौ तरहां दे, ठीक है। पहला प्रशंसा वाचक विस्मिक, ये थानू मैं करवाया होया है टेबल बनवा के, ठीक है, टेबल बना के ही इनू करना है। प्रशंसा वाचक विस्मिक केड़ा हुंदा है, हरेक ने एक एक दसना मैनू विद एग्जाम्पल दसना है।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਮੀਕ ਮੈਮ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ। ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਅਰਚਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਧੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਰਮਨੀਕ, ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ, ਓਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼ ਐ ਦਾਤਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਲਵਲੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ, ਹਾਏ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਉਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਫ ਆਦਿ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਤਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸਤਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਪਨਿਕਾ। ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਓਕੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ, ਹਨਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ। ਨੈਕਸਟ ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਵਧਾਨ, ਬਚ ਕੇ।
ठीक है, खबरदार सावधान बच के देखी जरा, ठीक है, जिन्हां नू आप जिहड़े सानू अलर्ट करदे ने। ओके गुड, नेक्स्ट है हैरानी वाचक विस्मिक। हैरानी वाचक विस्मिक अर्चिता। हैरानी दे भाव प्रगट करन लई जेड़े शब्द वरते जांदे हन उन्हां नू हैरानी वाचक विस्मिक किया जांदा है, जिवे कि है, कमाल है। ठीक है, आपां कहने है कमाल है, ठीक है, आपां जितो जितो साडी हैरानी दे भाव प्रगट हुंदे ने। ओके, लास्ट है फिटकार वाचक विस्मिक। फिटकार वाचक विस्मिक दुरफिटे मूह, फिटे मूह, लख लानत, ठीक है, उन्होंने आप कहने हाँ फिटकार वाचक विस्मिक। क्लियर है, नौ तरह के विस्मिक, राइट, इन्हे नाम पता होने चाहिए ने। हुण तुहानू टेस्ट विच किद्दां आ सकता है, कोई एग्जाम्पल दिती जा सकती है, ओदा पूछा जा सकता है, ठीक है, जिस तरह बल्ले बल्ले एक केड़ी किस्म का विस्मिक है, ठीक है। दूसरा तरीका आ सकता है कि तुहानू पूरा सेंटेंस दिता जा सकता है, ओदे विचों दी तुसी चुनना है ते किस्म दसनी है। तीसरा तरीका आ सकता है कि विस्मिक तुसी पढ़ना है, सूटेबल विस्मिक, पहला तुसी सेंटेंस नू पूरा पढ़ लियो फिर तुसी विस्मिक नू पढ़ना है, ठीक है। या आ सकता है कि प्रशंसा वाचक विस्मिक दियां किस्मां दसो, ठीक है, वो चार पांच तरीके दे नाल तुहानू आ सकता है। क्लियर है, हुण आपां करदे हां इहदी प्रैक्टिस। चुनो ते किस्म, फर्स्ट लिखो आओ जी तुहाडा स्वागत है, ठीक है, आओ जी तुहाडा स्वागत है। या विस्मिक भरना, पहला दो तीन कर लेने हैं, बाद विच आपां डिस्कस करते हैं, ठीक है। डैश तेरी मेहनत रंग लियाई है, दूसरा तरीका। तीसरा देखी जरा बच के किस दियां किस्मां हन, ठीक है, ऑप्शन दित्तियां जा सकदियां ने। हुण फिलहाल मैं तुहानू ऑप्शनस नहीं दवांगी, पेपर विच इदां हो सकता है या टेस्ट विच इदां हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वन, हैरानी वाचक विस्मिक दिया दो उदाहरण, ठीक है। फिर लास्ट विच काश मैं भी अमीर हो जावा, चुनो ते किस्म, ठीक है। सो आपां डिस्कस करते हाँ इनू। यस अर्चिता फर्स्ट, आओ जी सत्कार वाचक विस्मय। आओ जी कल्ला ही आपां चुनना है, आओ जी कल्ला ही चुनांगे आपां,
अनिका? नो मैम, इंक्लूडिंग एक्सक्लेमेटरी साइन। हाँ ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, आओ जी, तत्कार वाचक विस्मयक पूरा लिखना है तुम्हें। ठीक है, ओके गुड। सेकंड है डैश, तेरी मेहनत रंग ले आई है। शाबाश, तेरी रंग ले आई है। ठीक है, शाबाश नाल एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाना है तुम्हें। ठीक है, कई बारी लगा हो सकता है, कई बारी तुसी खुद लगाना है। शाबाश तेरी मेहनत रंग लियाई है, या बल्ले बल्ले तेरी मेहनत रंग लियाई है, तुसी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है तुसी कितना सोचते हो, हर एक बच्चे दे सोचन दा नजरिया अलग अलग है। ठीक है, थर्ड इवा, देखी जरा बच के किस दिया किस्म हन। लवलीना, हैरानी वाचक विस्मिक दिया दो उदाहरणा, फुल सेंटेंस बोल दो। अच्छा, पूरा सेंटेंस बोल दो। मैम किसका सेंटेंस? हैरानी वाचक। डेफिनेशन? नहीं, डेफिनेशन जो सेंटेंस सेंटेंस जिसमें है, सेंटेंस है तेरे माता जी का देहांत हो गया। ठीक है, होर। अच्छा, उसका इतना बड़ा इनाम आया। ठीक है, ओके गुड। लास्ट है, काश मैं भी अमीर हुंदा। काश, रमीक? यस मैम, काश विद साइन इच्छावाचक विस्मिक। हाँ, काश इच्छावाचक विस्मिक, ओके गुड। ठीक है, दो तीन होर कर लेने हैं अपना। ओके, नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ। जीते रहो। रब तुहाडा भला करे। ठीक है, नेक्स्ट। डैश कोई अकल दी गल कर। नेक्स्ट, नी कुड़िए गल सुन। ओके, सिक्स्थ, जीउंदे रहो रब तुहाडा भला करे। दिया मैम, जीउंदे रहो ते विस्मिक चिन्ह असीस वाचक विस्मिक। ठीक है, जीउंदे रहो असीस वाचक विस्मिक। सेवंथ, हुण तुसी विस्मिक भरना है। डैश कोई अकल दी गल कर। मैम मैं आंसर दे दूं? बोलो मैम। बेशर्मा कोई अकल दी गल कर। ठीक है, ते किस्म केड़ी होएगी फिर? फिटकार वाचक विस्मिक। हां, बेशर्मा कोई अकल दी गल कर, फिटकार वाचक। अपन किसी नु टॉन्टिंग मार रहे हैं। ओके, लास्ट है इवा, नी कुड़िए गल सुन। नी कुड़िए विद एक्सक्लेमेटरी साइन संबोधनी विस्मिक। ठीक है, दस कर लेने अपन हुन। राइट, हले 2 मिनट रहंदे ने।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਲਵਲੀਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਈਨਥ ਮੈਮ ਇਸਕੀ ਬਤਾਨਾ ਮੈਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਵਿਦ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਓਕੇ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਅਫਸੋਸ ਤੇਰੇ ਉਸਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅਫਸੋਸ ਉਸਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਦਿਆ ਇਹਦਾ? ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਅਫਸੋਸ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਅਫਸੋਸ ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਆਂਸਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਨਿਕਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਹੈਰਾਨੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।